राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिव लाइफ विद पुनीता। आप सब कैसे हैं दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए मेरे नन्हे से छोटे से लड्डू गोपाल हैं जो सिंहासन पर विराजमान हैं, शॉल ओढ़े। मैं शॉल हटा के, उनके शॉल जो है मैं हटा के आपको पास से दिखा रही हूँ कि मैंने इनका कैसा श्रृंगार किया है, कैसे ये बैठे हैं। इन्हें भी ठंडी लग रही है और फिर मैं दोबारा इन्हें शॉल पहना दे रही हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से मैं इन्हें शॉल पहना दी हूँ। और उनके जस्ट बगल में मैंने सांवले सरकार को रखा है, यानी बलदाऊ भैया को रखा हुआ है। और इनकी भी साल मैंने उठाकर आपको दिखा रही हूँ। इनका जो बांसुरी है वो थोड़ा तिरछा हो गया, मैं इसे सीधा कर रही हूँ। देखिए इनके जो ड्रेस है ये मैंने बनाया अपने हाथों से, ये शॉल मेरी सिस्टर ने बनाया है। मैं इन्हें भी शॉल दोबारा उठा दे रही हूँ क्योंकि इन्हें ठंड लग रही है, जोड़ों की ठंड है, इसलिए मैंने इन्हें शॉल उठा दिया। उनके जस्ट बगल में मैंने लक्ष्मी माता को रखा है, माँ सरस्वती को रखा है, ये गणेश जी को रखा है। और मैं गणेश जी के बगल में उत्तर की तरफ मुँह करके कुबेर जी को रखती हूँ क्योंकि उनका मुख जो है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और ये जो शंख देख रहे हैं दोस्तों, इस शंख से मैं अपने लड्डू गोपाल और बलदाऊ भैया का स्नान कराती हूँ। इसी शंख में जल भर के, कहा जाता है कि शंख से ही उनका स्नान कराना चाहिए। और ये श्री यंत्र है, माँ लक्ष्मी का श्री यंत्र है, ये माँ अन्नपूर्णा का है, सिक्का है माँ अन्नपूर्णा का। और ये कुबेर यंत्र मैं रखी हूँ दोस्तों, उनके बगल में माँ लक्ष्मी का चरण पादुका है। और ये जो मैं कटोरी में, छोटे से कटोरी में रखी हूँ, ये श्री यंत्र है, इनका भी मैं डेली इनको स्नान कराती हूँ, इनको वस्त्र पहनाती हूँ, रोड़ी हल्दी सब लगा के इनका पूजा करती हूँ। और जहाँ गोपाल हो वहाँ गऊ ना हो, ये गऊ माता है, ये देखिए उनका बछड़ा उनका दूध पी रहा। इन्हें भी मैंने उलन कपड़े पहनाए हैं क्योंकि इन्हें भी तो ठंड लग रही होगी। और जो लड्डू गोपाल है उनके सिर पे मैंने मोर मुकुट लगाया है। और एक छोटा सा स्टिकर मेरा बेटा लेकर आया, बोला मम्मी ये राम लक्ष्मण जानकी हैं, इन्हें आप ऊपर लगा दीजिए, मेरा बेटा लगाया है। और मैं आगे अपने कान्हा, अपने सभी देवी देवताओं को, गौ माता के लिए मैंने जल और भोग लगा के रखा हुआ है। मेरा ये जो मंदिर है दोस्तों वो मार्बल का है, इसकी नक्काशी देखिए कितनी खूबसूरती से इस मंदिर को बनाया गया है। इसके खम्भे जो हैं इतने अच्छी तरीके से इसका डिज़ाइन दिया गया है, इस पर पेंटिंग हुई है कि मैं जब इसे पहली बार देखी तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला मुझे ये बहुत पसंद आया है। इसके नीचे में भी दोस्तों देखिए काफ़ी स्पेस है, इनके जो बर्तन हैं, लुटिया हैं, कटोरे हैं, स्नान कराने वाले कान्हा को मैं सारे जितने भी एक्स्ट्रा बर्तन हैं उसके नीचे रखती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने एक कैंडल होल्डर साइड साइड में लगा दिया है, कभी स्पेशल ओकेशन पे मैं इसके अंदर कैंडल जलाती हूँ। और ये हमारा देखिए बालाजी का मैंने एक स्टिकर लगाया है। अब ये मेरे मंदिर का फुल व्यू देखिए दोस्तों आप। मैं इस मंदिर को एक लकड़ी के तख्ते के ऊपर रखी हूँ, उसके अंदर एक दराज बना हुआ है दोस्तों। मैं इस दराज में एक प्लास्टिक का डब्बा रखी हूँ, इसमें मैं जो कान्हा के सिंगार के सामान हैं, जैसे उनकी ज्वेलरी, कंगन, बांसुरी, जो कुछ सिक्के उनको चढ़ाए जाते हैं वो सब मैं उसमें रखती हूँ। ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल का बिस्तर है, बेड है उनका। और ये जो चार, ये तकिया, चद्दर, ये ब्लैंकेट उनका, ये जो दोस्तों आप चार खम्भे देख रहे हैं, ये चार खम्भे मैं गर्मियों के दिन पर मच्छरदानी लगाती हूँ ताकि उन्हें मच्छर ना लगे, इसलिए चार खम्भे हैं। ये देखिए ये चार खम्भे साइड साइड में मैंने लगवा लिया है ताकि मैं गर्मियों में आसानी से मच्छरदानी लगा सकूं इस पर। मैंने फर्श दराज में जो कभी कभी यूज़ होती हैं वो सारी सामग्रियाँ रखी हैं, जैसे इसमें मैंने कुछ सिक्के रखे हैं, ये मेरी एक्स्ट्रा दिया है, कभी कोई पूजा एक्स्ट्रा होता है तो मैं उसमें जलाती हूँ। और ये मैंने कुछ दिए रखे हुए एक्स्ट्रा। दूसरे दराज में दोस्तों मैंने रखा है अपने कान्हा का टॉवेल, ये एक्स्ट्रा ब्लैंकेट मैंने रखा है, कभी ठंडी ज़्यादा होती है तो पहनाती हूँ। ये टोपी, ये पगड़ी कान्हा की, मैंने ढेर सारी पगड़ियाँ मेरे पास हैं कान्हा की, जब कोई पर्व होता है तो मैं अपने कान्हा के लिए नए वस्त्र, नए पगड़ियाँ लेके आती हूँ। इसमें बाल है कान्हा के मेरे। और साइड वाले टोकरी में मैं उनकी, देखिए ढेर सारी मेरे पास उनकी पगड़ियाँ हैं, पीछे मैं साइड में करके रखती हूँ, छोटे कान्हा की और बड़े कान्हा की। और ये उनकी नाइट ड्रेस है, इसमें उनकी लंगोट भी रखी हुई है, ये मेरे बड़े बलदाऊ भैया का है नाइट ड्रेस। और ये मेरे जो छोटे से लड्डू गोपाल हैं नन्हे से, उनका नाइट ड्रेस है दोस्तों। मैं ये अपने हाथों से बनाती हूँ,
मैं मार्केट से नहीं परचेज करती हूँ, मैं इसे अपने हाथों से बुनती हूँ। तीसरी दराज में दोस्तों मैंने इनके कपड़े रखे हैं। ये जो दोस्तों आप प्लास्टिक देख रहे हैं ना, ये जो साइड में ब्लू कलर का है, इसके अंदर मैंने इनके गर्मियों के कपड़े रखे हैं। और ये अभी मैं खिचड़ी पे ली थी, ये सारे उलन कपड़े हैं, ये गौ माता की ड्रेस है। और ये जितने भी कान्हा के देख रहे हैं, रेड एंड वाइट, येलो एंड ब्लू, रेड एंड वाइट, ये मैंने सेंटा क्रिसमस डे के दिन सेंटा बनाया था अपने कान्हा को। और ये सारे कपड़े मैंने अपने हाथ से ही बुने हुए हैं, मैं मार्केट से परचेज़ नहीं की हूँ दोस्तों। ये मेरे छोटे से कान्हा का कपड़े हैं, ये मैं सब अपने हाथों से, मुझे जब टाइम मिलता है तब मैं अपने कान्हा के लिए कपड़े बुनती हूँ। ये सारे जितने भी कपड़े हैं, साइड में मैंने ग्रीन कलर का, ये मेरी गौ माता का कपड़ा है। और ये उनकी छोटी सी प्यारी सी छतरी है, मैं इसे वृंदावन से लाई थी अपने कान्हा के लिए। ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है दोस्तों। और मैं अपने चौथे दराज में पूजा की सारी सामग्रियाँ रखती हूँ, जैसे मैं इसमें रोड़ी रखती हूँ और मैं इसमें सिंदूर रखती हूँ, ये मेरा सिंदूर का डब्बा है दोस्तों। और मैं ये गोपी चंदन रखती हूँ, सफ़ेद चंदन रखती हूँ शिव जी के लगाने के लिए। और इसमें मैं भोग रखती हूँ, ये मेरा धूप है। और ये मेरा रुई का डब्बा है। बाकी जितने सारे डब्बे हैं इसमें मैं घी रखती हूँ। और ये सारे डब्बे कपूर के, ये कपूर का डब्बा है, इसमें और सारे काला तिल, बाकी सारे डब्बे हैं दोस्तों। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।